हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज कुछ नया करेंगे हम इस चैनल पे। टू डू समथिंग न्यू बिकॉज दिस इज फेब्रुअरी, माय बर्थडे मंथ। आई बीन सीइंग दैट कलर्स लाइक पिंक, पर्पल, आई मीन आई ग्रेविटेट अ लॉट टू देम एंड दे लुक वेरी अर्दी ऑन माय फेस एंड वेरी नाइस ऑन माय फेस। सो this was my first jar from Birds of Paradise. This is a semi permanent color brand, meaning ek point of time ke baad mein, I think 10 to 12 washes ke baad mein ye color thoda sa fade hone lagta hai, as the name suggests, semi permanent. And market mein itne color transformation brands hai, but koi color mere hair pe show up nahi ho raha tha, and this is the brand which actually showed on my hair, which was like a very rare scenario. Yeah, I had to bleach in the process, but still it was worth it. So I'm going to use two distinctive colors. So this is the shade which I am going to use. This is a shade coffee brown. ठीक है, coffee brown, very flattering. ये जो मैंने बालों पे use कर रखा है अभी भी, and this is after 12 to 13 wash, still I find it very nice. Then we have this one. This is the rose gold shade. Yeah, I know it is like a very big step for me. I usually don't gravitate for very like brightish colors. Brown bahut kam lena hai humko, because I want the pink ka highlight zyada dikhe, and we are going to add pink in a substantial amount. I'm taking my spatula and दोनों के लिए spoons अलग रखे हैं because I don't want to mix them up, and I'm going to mix this color in front of you all. चलो इसको mix करते हैं अच्छे से. mix करने के process में you see this, it's like becoming थोड़ा सा chocolate brown को और light कर रहा है, ये light हो रहा है color. इट इज गिविंग थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, फ्यूशिया कलर. दैट्स समथिंग आई वॉज लुकिंग फॉर. मिक्सचर थोड़ा ऐसा है, इट इज नॉट क्वाइट पिकिंग अप ऑन माई कैमरा, बट इफ आई टेंड टू एक्सप्लेन इट, इसमें एक्सप्लेन अगर करूँ तो ये ना थोड़ा लाइट ब्राउन विथ पिंक रिफ्लेक्ट बोलते हैं ना, वैसा काइंड ऑफ कलर. सो एज आई एम नॉट ब्लीचिंग माई एंटायर हेयर, मेरे पास ये मिनी किट है. दिस इज लाइटन अप ब्लीच पैक सैम्पल बॉक्स. ओके, सो दिस इज अ मिनी किट. इससे बिग वर्जन भी आता है अगर आपकी लॉन्ग हेयर हैं और आप इंटायर हेयर को करना चाहते हो. सी, सेमी परमानेंट कलर्स है तो ब्लीच करना वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वो ब्लैक बालों पर बिल्कुल भी शो नहीं होने वाला है. तो ब्लीचिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फिर क्वेश्चन ये होगा कि क्या ब्लीच से बाल डैमेज होते हैं. डेफिनेटली यार, हम ब्लीच कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो होता ही है, मतलब इफेक्ट बालों को. बट दिस इज अ वेरी गुड ब्रांड, सो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है दे आर वेरी मच कंडीशन कि आपका ब्लीचिंग हो और आपके बालों पे उतना हार्म ना हो. जैसे टेक्निकली दूसरे ब्लीचेस आपके बालों को जैसे फ्राई करते हैं, ये ऐसे फ्राई नहीं करता. ओके, सो अभी आई गॉट अ वेरी क्यूट सरप्राइज. रूबी वाइन शेड मिला है मुझे इसके साथ में, विच इज समवेयर इन फ्यूचर में भी हम ट्राई करेंगे, बट या विल कीप दिस क्यूटी असाइड. सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी गॉट दिस क्रीम डेवलपर. ये क्रीम डेवलपर है इसमें, इस पैक पे ब्लॉन्ड पाउडर. सो ये दोनों को कंबाइन करके हम बालों को लाइटन अप करेंगे. ऐसा कुछ कांच का बोल, मग या कुछ भी यूज करो मिक्स करने के लिए. ओके, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मेरे पास अभी फिलहाल एल्यूमिनियम फॉइल है नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज एल्यूमिनियम फॉइल. आई हैव अ कैप, वो कवर करूंगी मैं और वो कवर करके रखूंगी, बट एल्यूमिनियम फॉइल से डेवलप होने के लिए ज्यादा अच्छा हेल्प होता है. सो लाइक अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास है नहीं, मैं भूल गई वो लेके आना. तो ब्लॉन्ड पाउडर डेवलपर थोड़ा ऐड कर लेंगे.
going to mix this up अच्छे से. अच्छे से मिक्स करके इसको बालों पे लगा देंगे. गुड थिंग अबाउट द ब्रांड इज कि उन्होंने आपके कलर शेड के हिसाब से कंडीशनर्स लॉन्च किए हैं. लाइक फॉर ब्राउन कलर्स एंड रेडिश कलर्स दे हैव डिफरेंट कंडीशनर, फॉर पर्पल दे हैव डिफरेंट कंडीशनर. आई मीन इजंट इट लाइक वाओ, मतलब इतने सारे रेंज है हमारे पास कंडीशन करने के लिए. मतलब इतने ऑप्शंस कौन सा ब्रांड प्रोवाइड करता है बोलो. सो अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं ऐसे वाले सेक्शन क्लिप्स लूँगी और मैं बालों को ऐसे निकालना स्टार्ट कर दूँगी. ठीक है, बिकॉज यू नो व्हाट कि हम लगा देते हैं बट अंदर का कलर बच जाता है. सी मैंने खुद से कलर करने में कितनी गड़बड़ कर दी है बहुत बार. सो आई एम गोइंग टू लाइक पुट दिस अप. और ये मेरा फ्रेम शेप है तो यहाँ पे ब्लीच होना बहुत ज़रूरी है. सी दिस अच्छे से. आई डोंट एडवाइज यू टू डायरेक्टली टच इट बट सिंस मेरे पास ग्लव्स नहीं है तो आई एम गोइंग टू टच इट. प्लीज़ यूज़ ग्लव्स. और ऐसे करके ये ब्रश पैराडाइज का ब्रश नहीं है तो यू कैन सी हाउ स्टिफ इट इज, पर उस पर कलर है मेरा तो आई एम नॉट लाइक. और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मीट करके ये कर रही हूँ, पूरा ब्लॉन्ड नहीं कर रही हूँ मैं इसको. एंड ऑलवेज यू नो ओपन द हेयर एंड सी. कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से लगता है और यहाँ से नहीं लग पाता है. सी दिस थोड़ा जगह रह गया ना. सो या वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द सेम ब्लीच जो ऑलरेडी है वहाँ पे एंड अच्छे से स्प्रेड कर देंगे. क्योंकि मेरी तरह आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है और आप जुगाड़ के ऑप्शन में हो तो यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर क्लिप्स और इस पर फिर आप एडअप करते जाओ अपने बाल. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू डू ऑल दिस एंड बी राइट बैक. नहीं तो ये वीडियो 5 घंटे का बनेगा. सी यू. आई एम अ क्वाइट अ मेस क्योंकि आधे ही बालों को कर रही हूँ, पीछे के बालों को मैंने टाई कर दिया है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रोल देम अप. सो मैं वो कैप पहनने वाली हूँ. सो इट इज़ अ डिस्पोजेबल वन ओनली, बट ऐसे कि मुझे अभी मैं कहीं और टच ना करूँ, अगर मैं लेटूँ तो भी मेरा ब्लीच मेरी स्किन को इरिटेट ना करे, इसलिए आई एम वेयरिंग द कैप एंड कीपिंग इट बी. तो ये 46 to 47 मिनट इश मैं ऐसे रखूँगी बिकॉज आई वॉन्ट देम टू गेट ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड. ठीक है, आई वॉन्ट टू देम टू गेट लिटिल बिट चेंज सो दैट जो कलर मैंने मिक्स किया है वो उस पर एक्चुअली अच्छे से शो हो. तो 46 मिनट मैक्स मैं ऐसे करूँगी. वेदर आई विल चिल आउट, वॉच सम नेटफ्लिक्स, मेक माई सेल्फ टी एंड आई विल बी राइट बैक अगेन. तो थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा बॉस. ओके, टी ब्रेक ऑल्सो. Into different shades of blonde. I'm going to take a section by section. Actually, we are back. I mean. सी दिस कलर इज अनबिलीवेबल. मैंने पूरा क्लैम शैम कर लिया है बट यू कैन सी आई एम इन टू माई कलर्स. दिस कलर रियली कॉम्प्लीमेंट्स मी. इसीलिए इतना लाइट और दी टाइप मेकअप करके भी मेरे फेस पे इतना ग्लो आ रहा है. वाओ, इट इज वॉट आई
envisioned. हाँ, but एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, जब आप ब्लीच करते हो तो बहुत टाइम तक रखने के बाद में इफ यू हैव ब्राउन शेड्स ऑन योर हेयर इट टेंड टू फ्राई आउट अ लिटिल बिट और थोड़ा ऑरेंजी हो जाता है. तो व्हाट आई डिड, सेम मिक्सचर जो मैंने आपको दिखाया था मैंने वही मिक्सचर यूज किया है, बट आई डाइड इट वंस इन फ्रंट ऑफ योर, देन आई वॉश्ड इट एंड आई डाइड इट अगेन. सो दो बार प्रोसीजर मैंने किया है. तो मुझे ये एंड रिजल्ट, ये मॉव टाइप शेड जो बहुत प्यारा लग रहा है वो आया है. दिस इज लुकिंग क्यूट, दिस इज लुकिंग सो क्यूट एंड आई डोंट नो, पैराडाइज इज मेकिंग मी लुक क्यूट एंड ग्लोई अगेन. इट टेंड्स टू फील लाइक इट्स मी बट बेटर, लाइक आई एम सो इन लव विद दिस शेड एंड इट्स लुकिंग सो क्यूट. थैंक यू फॉर कमिंग पूरा दिन का चेकआउट करने के लिए मेरे साथ में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.